अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करवाना सिखाऊंगा। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं ये अपने टॉपिक की तरफ, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस बनाने के लिए हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए ये फार्मूला लिखना है। सब्जेक्ट आ जाता है विल हैव और शल हैव आ जाता है, थर्ड फॉर्म आ जाती है, और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने ऑब्जेक्ट को शुरू में लेके आना होता है जुमला के, और विल हैव बीन लगता है, और शल हैव बीन लगता है, फेल की तीसरी फॉर्म, बाय का इस्तेमाल किया जाता है उसके बाद, और आखिर में सब्जेक्ट आ जाता है। जी रहा फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करने का फॉर्मूला। अब हम कोई मसाल एक दे देते हैं। मसलन, वो नाश्ता कर चुके होंगे, तो मैं हमने लिखना है दे विल हैव टेकन, तीसरी फॉर्म है टेक की, ब्रेकफास्ट, दे विल हैव टेकन ब्रेकफास्ट। अब इसका ये सिंपल सेंटेंस है, अगर इसको पैसिव वॉइस में करना चाहेंगे तो हमने ब्रेकफास्ट को जुमले के शुरू में लेके आना होगा। ब्रेकफास्ट विल हैव बीन टेकन बाय देम। और अगर इसका हमने नेगेटिव बनाना है सेंटेंस, तो उसके लिए हमने विल के बाद नॉट लगाना है। ब्रेकफास्ट विल नॉट हैव बीन टेकन बाय देम। अगर इसका हमने नेगेटिव इंटर नेगेटिव सॉरी इंटर इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर बनाना है, हमने सवालिया बनाना है, तो हमने विल को जुमला के शुरू में लेके आना है। विल ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट विल विल ब्रेकफास्ट हैव बीन टेकन बाय देम। उम्मीद है कि इस टेंस की समझ आपको आ गई होगी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।